मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि अल्लाह इनको ये सब औरतों के हस्बैंडों से बचाए। वो लोग इनको बहुत बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, हमारी बीवी घर में ठीक है तुम बात, पर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक औरत जो निजी ज़िंदगी में दिन भर बच्चे संभालती है, घर का काम करती है, कपड़े धोती है, कामवालियों का ख्याल रखती है, बस उसका काम यही है कि पैदा हो गई तो माँ बाप की, भाइयों की सेवा करेगी, शादी हो गई तो हस्बैंड की और बच्चों की सेवा करेगी। अरे यार मेरे भाई, उनकी भी कोई ज़िंदगी होती है। तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये काम के वजह से मैं इनको बहुत, और मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ कि यार उनको भी थोड़ी खुशी मिलेगी कि जब वो लोग अपने लिए कुछ करेंगे, कि अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ करेंगे, तो आई थिंक वी हैव टू सपोर्ट देम एंड आई सपोर्ट देम। और जज भी मैं ही हूँ तो एक लंबा सपोर्ट की बात करें तो बहुत भाई ऐसी मेंटालिटी के लोगों को मैं यही कहूँगा कि देखो भाई, मर्द वो होता है जो औरत को रिस्पेक्ट करे, उसको ज़िंदगी में जो भी उसका सपना है, जो ड्रीम है, उसको करने के लिए उसकी हेल्प करे। तो यार ऐसी सोच ना रखे कि दूसरों की औरतों को घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरे भाई, घर की औरत जो होती है वही तुम्हारे जितनी भी तुम्हारी तकलीफें हैं, तुम्हारे पर्सनल जो तुम्हारे ज़िंदगी में जो चल रहा है, जो छुपाती रहती है, बाहर नहीं बताती, अगर बता दी तो बेटा तुम रास्ते पे चल नहीं पाओगे। उस औरत को सपोर्ट पहले करो जिसने तुम्हें हर चीज़ों से महफूज रखा है, तुम्हें इज्जत दी है, तुम्हें एक मर्द होने का खिताब दिया है, तुम्हें एक बाप होने का खिताब दिया है। उस औरत को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ना कि दूसरे की औरत को सपोर्ट करना। क्या कहना चाहेंगे एजाज जी के बारे में? आपको सपोर्ट किया आपके कंधे से कंधे मिला के। थैंक यू सो मच एजाज, और इनका एक नंबर रॉक्स। और इन्होंने जो कहा कि महिलाओं के लिए, कैसी महिलाओं को चुनते हैं एजाज भाई, अगर एज ए जज होंगे तो क्या कैसी महिलाओं को चुनेंगे? अरे मेरे को बता रहा भाई।